नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द वंदे भारत। टॉयलेट में समोसा और अन्य स्नैक्स बनाने के आरोप में एक रेस्टोरेंट को बंद करा दिया गया। हैरानी की बात तो यह है कि यह रेस्टोरेंट पिछले 30 साल से काम कर रहा था। स्थानीय अधिकारियों ने सूचना मिलने के बाद आवासीय बिल्डिंग में स्थित इस रेस्टोरेंट पर छापा मारा और खामियां मिलने के बाद एक्शन लेते हुए इसे बंद करा दिया गया। बता दें कि यह घटना सऊदी अरब के जेद्दा शहर की है। गल्फ न्यूज ने स्थानीय मीडिया के हवाले से बताया कि सऊदी अरब के अधिकारियों ने हाल ही में जेद्दा शहर में स्थित एक रेस्टोरेंट को बंद करा दिया गया। दरअसल जांच के दौरान उन्हें पता चला कि रेस्टोरेंट में करीब 30 साल से टॉयलेट में समोसा और अन्य स्नैक्स बनाया जा रहा था। वहां काम कर रहे श्रमिकों के पास कोई हेल्थ कार्ड भी नहीं था और वे रेजिडेंसी कानून का उल्लंघन कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेस्टोरेंट वॉशरूम में नाश्ते और भोजन की भी तैयारी करता था। इसके अलावा जेद्दा नगर पालिका के अधिकारियों ने पाया कि रेस्टोरेंट ने जिन मीट और पनीर जैसे खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल किया उनसे कुछ 2 साल पहले एक्सपायर हो चुके थे। इतना ही नहीं, अधिकारियों ने वहां पर कीड़े और चूहों को भी देखा। नगर पालिका ने कहा कि उसने कई अवैध रेस्टोरेंट को सील किया है और 1 टन से अधिक खाद्य सामग्री को जब्त भी कर लिया। इस साल जनवरी में जेद्दा में एक फेमस शवरमा रेस्टोरेंट को भी बंद करा दिया गया था जब वहां पर चूहों को इधर उधर भटकते हुए देखा गया। शवरमा रेस्टोरेंट की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर उस समय वायरल की गई थी, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया। सऊदी में समय समय पर रेस्टोरेंट होटलों में इस तरह का जांच अभियान चलाया जाता है। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।